डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका एमएस वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसर है और इसको हम फ्री में इंटरनेट से LibreOffice.org वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये फ्री एंड ओपन सोर्स आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम स्टार्टिंग में इसको देखते हैं, हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। विंडोज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो आपका डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बना होगा लिब्रे ऑफिस का, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मेरा जो पॉइंटर है लिब्रे ऑफिस 7.1 के शॉर्टकट आइकन पे है, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ये आपका पूरा लिब्रे ऑफिस का पैकेज ओपन हो जाएगा। इसमें जितने भी इस लिब्रे ऑफिस के पार्ट्स हैं, जैसे कैलक है, इंप्रेस है, ड्रॉ ड्राइंग है, मैथ फार्मूला, बेस डाटाबेस, राइटर डॉक्यूमेंट, हमने ओपन करना है राइटर डॉक्यूमेंट। तो हम राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको यहां से ओके कर दीजिए और स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन हो चुका है। इन केस अगर आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं मिलता तो आप विंडो बटन पे जाइए, सर्च बार में सर्च कीजिए, नहीं फिर ऑल प्रोग्राम में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। जैसा कि इसमें देखिए हम सर्च कर रहे हैं, ये रहा लिब्रे ऑफिस 7.1। तो यहाँ से जो आपने ओपन करना है, हमने राइटर ओपन करना है, राइटर को फाइंड आउट करके उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या है, राइटर जो है ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से आप नीचे भी कर सकते हो, ये रहा हमारा राइटर। क्लियर, इस तरह हम लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। क्लियर, जब हम सर्च बार में यहाँ सर्च करके भी ओपन, यहाँ हम लिख देंगे राइटर तो ये हमारे पास यहाँ राइटर दिखा देगा। हमने लिब्रे ऑफिस मेथड को तीन मेथड से ओपन करना सीख लिया है, डेस्कटॉप के शॉर्टकट आइकन से, सर्च बार में सर्च करके एंड विंडो बटन से एप्लीकेशन के लिंक पर जाकर हमने ओपन करना सीख लिया है। या आपके सामने जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। पहले हम देखते हैं हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करना है। हम कुछ भी जो हमें डॉक्यूमेंट बनाना है उससे संबंधित मैटर हम इस डॉक्यूमेंट में टाइप कर लेंगे। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वर्ड प्रोसेसर फीचर्स, तो ये मैंने टाइप कर दिया और ये मैंने मैटर पूरा अपना टाइप कर दिया है। ये मेरा एक मतलब मैटर टाइप हो चुका है, डॉक्यूमेंट मैंने टाइप कर लिया, क्रिएट कर लिया। और देन इसको हम सेव कैसे करते हैं, सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस।
फाइल मेनू में जाएंगे, या तो आप यहाँ पे से सेव पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस टाइप कर दीजिए, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार के इस सेव आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन यूज करके डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। फाइल मेनू में जाकर सेव पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड टूल बार जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेव आइकन पे जाके क्लिक करना है, और आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस दबाकर इसको सेव कर सकते हो। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास सेव के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, सेव की जो विंडो ओपन हो चुकी है। देन आपने जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसका आपने नाम देना है फाइल नेम में जाकर। तो मैंने इसका लिख दिया वर्ड प्रोसेसर। आपने मीनिंगफुल नाम देना है, वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नाम देख सकते हो, नाम दे सकते हो, बट आपका नाम मीनिंगफुल हो तो बेटर है। फिर ये हमने फाइल का नाम दे दिया। फिर आपने इस डॉक्यूमेंट को किस लोकेशन पे सेव करना है, जिस तरह हमारे घर में रूम्स होते हैं इस तरह हमारे भी यहाँ पार्टीशंस की हुई है। आपकी सी है, ई है, एफ ड्राइव है, तीनों ड्राइव्स हैं। आपने किस ड्राइव में किस फोल्डर में इसको सेव करना है। अब बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गए। आपका डॉक्यूमेंट्स जो फोल्डर होता है, जिस सी ड्राइव की प्रोग्राम फाइल के अंदर होता है, तो हमने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। तो हमने यहाँ से डेस्कटॉप को चूज कर लिया और फाइल का नाम दे दिया। नीचे आपका फाइल का टाइप आता है, तो ये आपकी ओपन ऑफिस की फाइल बन जाती है, टेक्स्ट फॉर्मेट की, डेटा फॉर्मेट की फाइल बन जाती है, तो हम इसी में सेव करेंगे। इसके अलावा आप एमएस वर्ड की फाइल, पीडीएफ, जो चाहो आप उसके अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको सेव कर सकते हो। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो अगर हमने न्यू डॉक्यूमेंट और क्रिएट करना है, तो मीन्स हमने न्यू राइटर फिर से एक विंडो ओपन करनी है, तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो, देन आप इस आइकन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, और आप फाइल मेनू में जाकर न्यू पे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। इन तीन तरीकों से आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हो। हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये हमारी नई, आप देख पा रहे हो, विंडो खुल चुकी है। और हम पहले वाली जो हमारी फाइल है उसको हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए आप, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने अब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना सीख लिया, ओपन करना सेव करना सीख लिया, और न्यू ओपन करना सीख लिया। अब देखिए ये हमारा नया जो है डॉक्यूमेंट अनटाइटल 2 के नाम से आ रहा है। अब आप चाहते हो भी जो आपने डॉक्यूमेंट सेव किया था उसको हमने ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए आप फाइल मेनू में जाकर ओपन पे क्लिक कर सकते हो, शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर सकते हो, और आप इस स्टैंडर्ड टूल बार के ओपन आइकन पे क्लिक करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो हमने देखना है भी हमारा जो फाइल कहाँ सेव थी, डेस्कटॉप पे सेव थी। तो यहाँ हम डेस्कटॉप से अपनी फाइल को फाइंड कर लेंगे, हमारी फाइल, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे नेम टाइप कर दोगे अगर आपको याद है तो, जैसे नीचे आपका जो नेम है शो कर दिया, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। और ऊपर देखिए नाम आ गया टाइटल बार पे, वर्ड प्रोसेसर डॉट ओ डी टी।